वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका सुड़ियामऊ स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 मई और आज पैतीपुर से सुड़ियामऊ तक हो रहा है CRS निरीक्षण, तो इसी के चलते हम पहुंच गए हैं सुड़ियामऊ स्टेशन पर। यहां दिखाते हैं क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है सुड़ियामऊ स्टेशन। तो ये है सुड़ियामऊ रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार। यहाँ से आप अंदर जाते हैं, थाना रामनगर यहाँ पर लगता है और 10 किलोमीटर लगभग बुढ़वल है यहाँ से। आज है CRS निरीक्षण, तो हम लोग पहुँच गए हैं सुड़ियामऊ स्टेशन पर। पैतीपुर से तहसील फतेहपुर होते हुए सुड़ियामऊ आ रहा है CRS साहब का काफिला। डबल लाइन का इंस्पेक्शन हो रहा है और काम चल रहा है ज़ोर शोर से। इधर जनरेटर चल रहा है, तो सीतापुर बुढ़वल दोहरीकरण कार्य जो तेज़ी से किया जा रहा है। फ्रेट गलियारा है ये, आप जैसा जानते हैं फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि अधिकांश इस पर माल गाड़ियां निकलती हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं अब सुड़ियामऊ स्टेशन पर। ये स्टेशन है यहाँ का सुड़ियामऊ, और तहसील फतेहपुर से मोटर ट्रॉली से चल चुके हैं CRS साहब। इधर तहसील फतेहपुर की दिशा है सीतापुर की, सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो जाएगा, और इधर हमारी दिशा है ये बुढ़वल की, 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। सामने स्पीड ट्रायल जिससे होगा, स्पेशल ट्रेन खड़ी है CRS साहब की। बाहर यहाँ पर भी सुड़ियामऊ स्टेशन के ठीक पास में कंस्ट्रक्शन देखिए चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ क्वार्टर्स मुझे लगता है बनाए जा रहे हैं रहने के लिए। यहाँ पर सकरी सड़क है और सुड़ियामऊ कस्बा है एक, आप कह सकते हैं, जो कि यहाँ से ऐसे आगे रोड जाती है। अगर आप रामनगर रोड में जब पहुँचेंगे वहाँ पर मुख्य सड़क पर, तब सुड़ियामऊ दिखाई पड़ता है। तो मुख्य कस्बे से स्टेशन लगभग 1 किलोमीटर जैसा अंदर है, जो कि यहाँ पर पड़ता है, और वर्कर्स लगे हैं, जनरेटर चल रहा है। तमाम सारी गाड़ियाँ देखिए आज CRS निरीक्षण है तो पहुँच रही हैं। लखनऊ का नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, UP 32, कई सारी गाड़ियों पर। और छोटा सा स्टेशन है ये। अब सुड़ियामऊ से तहसील फतेहपुर होते हुए पैतीपुर तक डबल ट्रैक खुल जाएगा, लगभग 21 किलोमीटर। हमारे NER जोन लखनऊ मंडल में ये आता है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जो कि रन थ्रू लाइन हो जाएगी, हमारा मुख्य ट्रैक है, नया ट्रैक जो डाला गया है, उस पर स्पीड ट्रायल होगा। WAP 4 लोकोमोटिव हमारे NER जोन का ही इसमें लगा हुआ है यहाँ पर, जिससे कि स्पीड ट्रायल किया जाएगा शाम को, जब ये मोटर ट्रॉली से निरीक्षण पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर होगा स्पीड ट्रायल। एक ट्रैक यहाँ पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म के बाद उधर डाला गया है, और ये हमारी मुख्य सुड़ियामऊ स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। छोटा सा शेल्टर है यहाँ पर लगाया गया है, 15:35 अभी हो रहा है, और यहाँ तक आते आते 1 घंटा मुझे लगता है बहुत आराम से CRS आपको लग जाएगा। मोटर ट्रॉली से वो आ रहे हैं, क्योंकि हम तो बाइक आ रहे हैं तो तेज़ गति से आ गए, और वो चीज़ों को निरीक्षण करते हुए आएंगे, चीज़ों का देखते हुए। यहाँ पर भी जो पैदल पुल है, फुट ओवर ब्रिज, उसका निर्माण अभी तेज़ी से चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, छत लगनी बाकी है, तो काम तेज़ी से चल रहे हैं। डबल ट्रैक आज रात के बाद से खुल जाएगा, CRS निरीक्षण के बाद से जो मालगाड़ियाँ हैं चलने लगेंगी डबल ट्रैक से। और यहाँ पर मिरर लगाया जा रहा है, जिससे कि स्पार्क देखा जाता है, लोको पायलट साहब के हाथ में है, और ये सारी चीज़ें देखिए अब फिक्स होंगी। यहाँ पर स्पेशल ट्रेन है ये सुड़ियामऊ स्टेशन से, जो डिपार्ट करेगी स्पीड ट्रायल के लिए। CRS स्पेशल के बगल से बुढ़वल की दिशा से गुड्स ट्रेन आते हुए सुड़ियामऊ स्टेशन पर।
सुबह सियारत साहब जिस ट्रेन से आए थे वो ICF बेस्ड हमारी कोचेज उसमें थी, और अभी जो स्पीड ट्रायल किया जाएगा सुड़िया मऊ से पैंतीपुर तक वो इस LHB रेक वाली स्पेशल ट्रेन से होगा। 3 डिब्बे की ये विशेष ट्रेन है जिससे कि शाम को स्पीड ट्रायल किया जाएगा सुड़िया मऊ स्टेशन से तहसील फतेहपुर होते हुए पैंतीपुर तक 21 किलोमीटर। एक और मालगाड़ी आ रही है सुड़िया मऊ स्टेशन पर जो क्रॉस करेगी यहाँ पर। CRS स्पेशल ट्रेन खड़ी है और 5 बज रहा है अभी तक यहाँ पर CRS साहब की जो टीम है वो नहीं पहुँची है सुड़िया मऊ। मुझे लगता है कि 5:30-6 तक आएंगे। तो सामने से मोटर ट्रॉलीज आ रही हैं, सूर्य धीरे धीरे सामने की दिशा में एकदम आ गया है। 5:15 बज रहा है और CRS साहब का काफिला पहुंच रहा है सुड़िया मऊ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। रेड फ्लैग लेकर के वहां पर खड़े देखिए हमारे, क्योंकि उसी ट्रैक पर आगे जो है CRS साहब की स्पेशल ट्रेन खड़ी है जिससे कि स्पीड ट्रायल किया जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं सामने से मोटर ट्रॉलीज आ रही हैं, अभी करीब आएगी तो और साफ दिखेगी। और अभी पैदल पुल का निर्माण कार्य भी यहाँ पर चल रहा है, छत लगनी बाकी है, तो FOB के जो कार्य हैं वो भी अभी अधूरे हैं। रेल्स रखी हैं नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज 11 मई CRS इंस्पेक्शन पैंतीपुर तहसील फतेहपुर सुड़िया मऊ में हो रहा है, NER जोन लखनऊ मंडल में। तो लोको पायलट्स बैठ गए हैं लोको के अंदर। तो 5:20 पर देखिए काफिला पहुंच गया है CRS साहब का सुड़िया मऊ स्टेशन पर। तो सामने आप देख सकते हैं कमिश्नर रेलवे सेफ्टी लतीफ खान जी यहाँ पर अब पहुँच गए हैं, साथ में तमाम सारे जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी हैं। DRM लखनऊ मंडल आदित्य कुमार जी वो भी साथ में ही हैं, और तमाम सारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं सारे अधिकारी वो पूरे ही इस टीम का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो गई हैं और सीढ़ी वगैरह लग गई है ताकि प्लेटफॉर्म पर ऊपर चढ़कर आने में आसानी हो। तो
पेंटो देखिए टच कर रहा है, लोको स्टार्ट हो गया है। इसी से स्पीड ट्रायल किया जाएगा। सीआरएस स्पेशल ट्रेन है ये, और चूंकि सीआरएस साहब यहाँ पहुँच गए हैं सुड़िया मऊ, तो स्पेशल ट्रेन का जो लोको है आगे WAP4 स्टार्ट हो गया है। ट्रॉली यहाँ से हटाई जा रही है, सब जा रही हैं। देखिए स्पीड ट्रायल के लिए ट्रैक को खाली किया जा रहा है। एक कवरेज सुड़िया मऊ स्टेशन से आज के सीआरएस पर, जो सीआरएस निरीक्षण हुआ 11 मई को,